निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने की तारीख अब 1 फरवरी हो गई है, जिसके चलते चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग देश भर में उठने लगी है। वहीं सहारनपुर में रहने वाले पवन जल्लाद की बेटियों ने भी चारों दोषियों को फांसी दिए जाने को सही ठहराया है। पवन जल्लाद की बेटियों ने आरोपियों को दी जाने वाली फांसी को ही निर्भया के परिवार के लिए इंसाफ बताया है। पवन जल्लाद की बेटियों का कहना है कि उनके पिता चारों दोषियों को फांसी देंगे, जिसके बाद निर्भया के परिवार को भी इंसाफ मिल पाएगा। ये सरकार ने सही हो लिया है, आगे से दूसरे करेंगे, उन्हें सबक मिलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। आगे से उन्हें वो मिल जाएगा कि जो हम ये करेंगे तो हमें फिर फांसी मिलेगी दूसरों को, आगे से कोई ऐसा करने का नहीं। वहीं पवन जल्लाद की छोटी बेटी पूजा का कहना है कि उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी फांसी देने का काम कर रही है और निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने के बाद ही आरोपियों को सबक मिलेगा। ये तीसरी पीढ़ी है, वैसे तो आगे तो मुझे पता नहीं, तीसरी चल रही है पापा के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो सही है, जो आगे जो काम करेंगे जो उन्हें भी पता लगे कि क्या सज़ा मिलती है। ये तो वैसे तो अच्छा तो है नहीं, फिर भी ठीक है मेरे हिसाब से, फांसी तो सही है इनके लिए। ये हो गए लगभग 10-15 साल हो गए करते हुए इस काम को। मेरे दादाजी गुजर गए थे अभी, तो उन्हें नौकरी मिली है। आपको बता दें कि पवन जल्लाद की दोनों बेटियों की शादी सहारनपुर में हुई है। पवन जल्लाद 1 फरवरी की सुबह 6 बजे निर्भया के दोषी को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।